एक्सेल के वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात कर रहे हैं सीट के बारे में। हमने लास्ट क्लास में गोपाल जी आपके साथ बातचीत किया था कि सीट को कैसे हैंडल किया जाता है। तो लास्ट क्लास में हमने बताया था कि सीट की कॉलिंग मेथड क्या थी। जैसे बताया था कि हम सीट्स को उसके नाम से, यहाँ पे आपको दिख रहा है डेटा, दो नाम होते हैं, प्रॉपर्टी नेम एंड कैप्शन नेम। ब्रैकेट में जो होता है कैप्शन नेम होता है। तो यहाँ हमने कर दिया डेटा डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट, फिर वापस शीट्स, और यहाँ पे हम कर सकते हैं सीट टू डॉट एक्टिवेट या सेलेक्ट। तो ये दो हो गए ना, एक कैप्शन नेम हो गया, ये प्रॉपर्टी नेम हो गया, और एक और बताया था आपको मैंने शीट का सीक्वेंस नंबर, कि जो सीक्वेंस नंबर है उसको यूज कर सकते हैं। तो एक कब यूज करेंगे तीनों में से, चीज को जानिए। देखिए, जब आपका नाम फिक्स हो बट सीट बार बार चेंज हो रहा, समझे? जैसे आपका डेटा वन डेटा हो गया सीट, तब आप क्या करते हैं, पिछली डेटा को डिलीट, सीट को डिलीट करके नई सीट इंसर्ट करते हैं, तो फिर उसका नाम डेटा डालते हैं। तो ये आप इस कोड के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, क्योंकि आपका डेटा फिक्स है, आपका डेटा फिक्स है बिल्कुल, इसलिए इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, राइट? लेकिन मान लीजिए आपका नेम चेंज होगा, जैसे मंथ हो गया, अभी जनवरी है, फिर अगला महीना फरवरी होगा, उसके बाद मार्च होगा, इस तरह से नेम जो है आपका फिक्स है, उस केस पे हम यूज करेंगे आपके साथ प्रॉपर्टी नेम, जो कि एरा सीट्स डॉट एक्टिवेट। अब बात आती है सीट की कॉलिंग मेथड, मतलब कि सीक्वेंस नंबर। माने आपने एक फाइल खोला है, उस फाइल के जितने भी शीट्स है सबको देखना है, उस फाइल के जितने भी शीट्स है सारे चाहिए आपको। तो उस केस में हम यूज करेंगे सीक्वेंस नंबर, 1 2 3 4 5 ले सकते हैं, उससे सीट का नेम और प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलता है कि पहला सीट दूसरा सीट, पहले पोजीशन पे कौन सा है, दूसरे पोजीशन पे कौन सा है, तो इस्तेमाल करते हैं। और एक लास्ट था हमारा एक्टिव शीट। अब चलिए शीट पे होने वाले इवेंट को देख लेते हैं। जैसे नई शीट ऐड करना हो तो होता है शीट्स डॉट ऐड, एक नई शीट को ऐड कर देता है, शीट्स डॉट ऐड एक नई शीट को ऐड कर ऐड कर देता है। देते हैं। अब उसे शीट का रिनेम करना है, तो आप यहाँ दे सकते हैं एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू, मैंने यहाँ पे डेटा दे दिया, एक नई शीट को ये ऐड करेगा, जो शीट ऐड हुई उसको एक्टिवेट कर देगा। लेकिन मुझे डेटा नाम का शीट चाहिए ही, तो यहाँ लिखूंगा शीट्स डॉट ऐड और इसी में डॉट नेम इक्वल टू डेटा, तो डेटा नाम का ठीक शीट ऐड होगा। ठीक है सर? है सर। तो डेटा नाम का शीट ऐड होगा। अब इसमें आगे बात करते हैं, अब प्रॉब्लम होती है जब सीट ऐड करते हैं, तो सीट ऐड कहाँ होती है, इसका पोजीशन क्या होता है, सीट ऐड करने का पोजीशन क्या पोजीशन होता है? क्या होता तो वो जो जिस सीट एक्टिवेट होती है, एक्टिव होती है ना, उसी से बिफोर करता है। तो यहाँ पे आप शीट्स शीट्स डॉट ऐड कर दिए, तो ऐड करने के बाद जैसे स्पेस करते हैं ना, पूछता है बिफोर आफ्टर, किस सीट से पहले या किस सीट के बाद। जैसे मान लीजिए मैं सीट 3 से पहले है। करना चाहता हूँ, इसका सीट 4 है, तो मैं यहाँ पे सीट 4 लिख दूंगा, मतलब कि इसकी प्रॉपर्टी नेम लिख दूंगा, तो हो जाएगा। बट प्रॉपर्टी नेम नहीं चाहिए आपको, उसका कैप्शन नेम, तो उसको ब्रैकेट में आपको लिखना होगा। अब यहाँ पे जो सीट का नेम देंगे ना, तो सीट की कॉलिंग मेथड के अकॉर्डिंग देना होगा, ध्यान रखिएगा इसका, सीट के कॉलिंग मेथड के अकॉर्डिंग कॉलिंग मेथड के अकॉर्डिंग देना देना। होगा, राइट? यस सर।
लेकिन मुझे मान लीजिए बाद में देना है लास्ट में, तो यहाँ पे आप स्पेस दीजिए, कॉमा देते ही आपका बिफोर जो है वो स्किप हो गया ना। हाँ आफ्टर आ गया उसके बाद में, जीपीटी हाँ बिफोर आपका के बाद में स्किप आएगा। हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, सर, तो इस तरह से आप दे सकते हैं, कॉमा करके स्किप कर सकते हैं, तो सीट ऐड हो, लेकिन मुझे सबसे लास्ट में ऐड करनी है। तो जैसे सीट आपके पास सर कितना है, मान लीजिए 4 सीट है, 4 दे दीजिए, तो 4 के बाद ऐड कर देगा, लेकिन 4 हो इसका कंफर्म तो नहीं है ना, तो यहाँ पे आप दे दीजिएगा सीट्स डॉट डॉट काउंट, सीट्स डॉट काउंट, काउंट, ठीक है। यस सर। ये अगर काउंट देंगे तो सबसे लास्ट में जाएगी सर। हाँ, वो हमेशा सबसे लास्ट में है। ठीक अब सीट ऐड कर लिया है, जाहिर सी बात हम सीट को डिलीट भी करेंगे ना। अब देखिए सीट पे कुछ भी होने वाले चीजों को आप इन चारों में से कोई एक को यूज कर सकते हो स्टार्टिंग में। सिचुएशन मैंने समझा दिया ना, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया सीट 1 डॉट डिलीट, अब सीट 1 डॉट डिलीट ले लीजिए, या सीट्स उसके अंदर में सीट 1, या उसका उसका ए क्या बोलते सीक्वेंस नंबर ले लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने लिख दिया सीट्स ओके डॉट डिलीट, लेकिन इस सिर्फ इस कोड को रन करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि तो जैसे इस कोड को आप डिलीट करेंगे ना, तो आपसे कंफर्मेशन पूछेगा इस तरह से, ठीक है। तो आप क्या करें, यहाँ पे ऊपर एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, माफ कीजिएगा, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट, उसको हम कर देते हैं फॉल्स, ठीक है। तो टेम्परेली जी क्या क्या करेगा, अलर्ट को फॉल्स कर देगा, जिससे डिलीट करने के लिए बाद जो पॉपअप आता है वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब सीट ठीक डिलीट कर लिया, तो सीट को मूव करते हैं। मान लीजिए सीट 1 को मुझे मूव करना है, तो सीट 1 डॉट मैंने मूव कर दिया, तो एक नई फाइल में मूव कर देगा, या मैंने सीट 1 डॉट कॉपी कर दिया, तो एक नई फाइल क्रिएट करेगा, उसमें उसको कॉपी कर देगा। लेकिन मुझे मूव इसी फाइल के लास्ट सीट में करना है, तो सीट ऐड करते समय जो सीट का मेथड है ना, वो आपको यहाँ देना होगा बिफोर या आफ्टर, तो मतलब आफ्टर तो सबसे लास्ट में ऐड कर देगा, और सेम ये क्या क्या बताया आपने? सर लास्ट में ऐड कर देगा। ये अच्छा क्या ठीक है, करेगा ना कि मूव करना यहाँ सीट सीट को वन को वहां मुझे से उठा के लास्ट में लास्ट में मूव, फेंक देना। सीट वन को मुझे ठीक लास्ट है में मूव करना है ना, तो इसको उठा के ऐसे रख देगा, जी सर, समझ ठीक है ना। और कॉपी करेंगे गया। तो कंट्रोल प्रेस कर देगा, मतलब इसकी कॉपी क्रिएट करके यहाँ डाल देगा ऐसे। अगर जी सर इसमें कुछ ये जो चीजें हैं वो नहीं डालते ना, सिर्फ मूव कॉपी कर देते हैं, देख नई फाइल में कर देगा ये, राइट क्लिक करते हैं ना यहाँ पे मूव एंड कॉपी, क्रिएट कॉपी कर देगा, और यहाँ से देख रहे हैं आप न्यू मूव करिएगा तो क्रिएट कॉपी नहीं करेगा, और मूव नहीं कीजिएगा तो क्रिएट कॉपी करेगा, ठीक है। रेड कॉपी, समझ गया समझे? जी सर। ओके सर, लेकिन आपको गॉट एक इट। एक ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर फाइल में करना है, तो यहाँ पे उस वर्कबुक का रेफरेंस देंगे कि वर्क बुक्स, और यहाँ पे आप देंगे book1.xlsx, समझे। बट ए यस बुक ओपन होना चाहिए, अगर बुक ओपन नहीं है तो फिर आपको ओपन करवाना होगा, ओके समझ गए। सीट को सर, कॉपी करना, मूव करना आ गया। यस अब सीट को हाइड करना सीखते हैं, कि सीट 1 डॉट विजुअल, विजुअल इक्वल टू मैंने बोल दिया सीट
हिडन ते नॉर्मल हाइड करेगा, जैसे कि हम लोग करते हैं ना यहाँ पे हाइड कर दिए, तो कोई भी उसको अनहाइड कर लेगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया सीट वन डॉट विजुअल इक्वल टू वेरी हिडन, ऐसा कर देने पे क्या होगा कि वो हाइड होगा तो यहां से हाइड नहीं होगा, उसको अनहाइड करने के लिए आपको फिर आपको वीबीए के जरिए कोड ही लिखना पड़ेगा कि सीट वन डॉट विजुअल इक्वल टू सीट विजुअल, या फिर प्रॉपर्टी बार में जाके सेलेक्ट करके यहां से विजुअल करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक सीट को अनहाइड करते, अब बात करते हैं सीट को प्रोटेक्ट करना, तो सीट वन डॉट प्रोटेक्ट और पासवर्ड डाल दीजिए, है। या बाकी यस और कुछ डालना है तो ट्रू फॉल्स डाल सकते हैं, क्योंकि तो जब आप इसको राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट करते हैं तो बहुत सारे चेकबॉक्स आते हैं ना, सर। और जो चेकबॉक्स है यहाँ ट्रू एंड फॉल्स होगा। अनप्रोटेक्ट करना हो तो सीट वन डॉट अनप्रोटेक्ट ठीक पासवर्ड डाल दीजिए। सीट है की बैकग्राउंड कलर जो होती है टैब कलर वो करनी है, सीट डॉट टैब डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड ग्रीन ब्लू, ओके। तो सर। ये आपकी सीट की हो गई। समझे? यस सर, ये बैकग्राउंड मेरे फीडबैक से बैकग्राउंड आ रहा है इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। तो ये रही हमारे सीट की कॉलिंग मेथड। अब सीट इसके प्रोजेक्ट के यस बारे में सर। बात कर लेते हैं, क्योंकि फ्राइडे है और फ्राइडे को मैं प्रोजेक्ट देता हूँ, तो इसकी प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम ठीक है मैंने सर। वर्कबुक क्रिएट करने का प्रोजेक्ट बताया था मैंने, तो जाहिर सी बात है एक प्रोजेक्ट मैं करूँगा तो एक प्रोजेक्ट आपको करनी है। ओके तो प्रोजेक्ट कुछ इस तरह का है कि मुझे डेटा सेम है, मतलब कि जो मैं बताया था वही सेम है, तो मुझे डेटा डाउनलोड करनी है पूरे साल की। साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो जी सर, 365 days। 365 नंबर ऑफ शीट मुझे चाहिए, ओके समझे? सर। यस सर। लेकिन मंथ के हिसाब से वो कैटेगराइज हो जाए, जैसे जनवरी है तो जनवरी का अलग हो जाए, समझे? ओके सर। यस सर। फरवरी है तो फरवरी हो जाए। तो यस सर। मतलब कि 365 शीट जो है ना मुझे एक ही फाइल में नहीं चाहिए, वो 12 फाइलों यस में कैटेगराइज चाहिए कैटेगरी के हिसाब से, ओके सर। ठीक है। टोटल 12 शीट चाहिए कुल मिला के, जनवरी नहीं, से लेके 12 फाइल दिसंबर और मंथ के डेज के हिसाब से उसके नंबर ऑफ शीट्स, जैसे ओके एक फाइल सर। बनेगा आपका जनवरी, ठीक है, हाँ जब उसमें जैन के तीस नाम, तीस दिन आप का जैन तीस के नाम से ठीक बनाइए या फिर वन के नाम से बनाइए, राइट। यस सर। और उसके जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं? 31। 31 days। तो यस 31 शीट चाहिए, और शीट का नाम 1, 2, 3 से लेके 31 तक होना चाहिए। 31 तक होना ऐसे चाहिए। दूसरा फाइल बनेगा फाइव का, फाइव में कितने दिन होते हैं? 28, 29 होते हैं ना, हाँ सर। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे 28 से 29 शीट होनी चाहिए, और उसका नाम भी 1 से लेके 29 तक जाना चाहिए। ओके सर। ओके सर। समझ गए? यस सर। चलिए, तो इस पे आप कीजिए।